आज बात त्याग की है और त्याग के दो रूप होते हैं, एक होता है सर्वस्व और एक होता है अंश का त्याग। और देखा मैंने आज अंश के त्याग में आज भीड़ लग गई और सब आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए। थोड़ी सी बस घोषणा करी कि आप भैया जी ने कि सबके नाम आ जाए, तो नाम की भी वो पूरी बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो गई, बहुत सारे लोगों ने अपना वो त्याग किया। सर्वस्व हम त्याग नहीं कर पा रहे, धन परिवार संपदा, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी हमने त्याग किया वो त्याग सर्वस्व त्याग से कोई कम नहीं होता है, क्योंकि अंश का त्याग करना गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है। और आचार्य भगवान इस सूत्र को बार बार बोलते थे अनुग्रहातम सत्ति सर्गो दानम, मतलब दान करने से पर का अनुग्रह दिखता है, पर स्वयं का भी उसमें क्या होता है, स्व का भी और पर का भी इससे होता है। धन का उपार्जन तो क्या होता है, धन का उपार्जन कर रहे हैं आप और धन का उपार्जन कर भी रहे हैं, उस उपार्जन में निश्चित रूप से आपने जो कमाया है उस कमाने के माध्यम से पाप लगा है, उस पाप का प्रक्षालन होता है, इसलिए वह स्व और पर का उपकार करने वाला है। और दान करते हो तो दान करने से धन की आसक्ति मिटती है, ये भी क्या है, स्व और पर का उपकार है। और दान करने से मन में उदारता आती है, ये क्या है, उदारता गुण आता है, ये भी स्व का भी हो गया और पर का भी उपकार हो गया। और दान करने से मन में जो एक अहोभाव आता है वो क्या हो गया, वो भी स्व और पर का उपकार है। इसलिए स्व और पर के उपकार के लिए ये ध्यान धन का त्याग किया जाता है। फिर भी जब मान लो दान की बात आती है, तो दान की बात आती है तो क्या होता है, मन में एक घबराहट हो जाती है, क्या हो जाती है, मन में एक ऐसा हो जाता है कि ये जो दान ले रहे हैं, अभी दान क्या है, दान की बात तो आई है, लेकिन मैं हमेशा बोल रहा हूँ आप जो थोड़ा सा भी दान दे रहे हो उस दान को अगर कैसे देते हो, या तो आप देते हो तो बहुत प्रसन्नता से देते हो, या नहीं देते हो और अगर उद्विग्नता से दे रहे हो, मन महसूस कर दे रहे हो, व्यथित हृदय से दे रहे हो, तो ध्यान रखना तीन कलंक मैं बताता हूँ दान के, क्या पहला कलंक तो है जहां तक हो सके दान करना ही नहीं, और दूसरा करना भी पड़े तो सामर्थ्य से कम करना, और अगर हो रहा है दे भी रहे हो तो रोते रोते करना है। ये दान के तीन कलंक है, तो ध्यान रखना जो आपने दान दिया है उसको बड़े ही हर्ष भाव से देना कि मेरा पुण्य, कि मेरी लक्ष्मी लग गई, मेरे धन का सदुप हो गया, मैंने अपने पाप को पुण्य में बदल लिया, इस भाव के साथ आप दान दोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जो कहा है दान देने में कभी अंदर से मन में विकल्प संकल्प नहीं हो रहा, और होते हुए भी अगर आप नहीं दे रहे हो, आपके पास है और अगर आप पीछे हट रहे हो, तो ध्यान रखना अंतराय कर्म का तीव्र बंद होता है। आचार्य श्री जी ने कहा था जिसके पास है और वो जो नहीं दे रहा है, क्यों, अब आपके पास है, अगर वो आप दे दोगे और तो क्या हो जाएगा, उनके काम आ जाएगा, किन्हीं के कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी का भला हो जाएगा, और नहीं दे रहे हो तो ये क्या कर रहे हो, अंतराय कर रहे हो। तो मैं तो इतना ही बोल रहा हूं कि ये धन की चार दीवारें हैं, धन की चार दीवारें, इन चार दीवारों के सहारे ही ये धन का वो जो महल है वो खड़ा हुआ है। सबसे पहले चार दिशाओं की चार दीवारें होती, सबसे पहले उत्तर की दीवार कमाना, दक्षिण की दीवार गवाना और पश्चिम की दीवार बचाना, चिंतन किया आज हमने, और फिर पूरब की दीवार लगाना। क्या बोल रहा हूं, उत्तर की दीवार है कमाना, दक्षिण की दीवार है गवाना, पश्चिम की दीवार है बचाना और पूर्व की दीवार है लगाना। अब कमा रहे हो, गवा रहे हो या बचा रहे हो या लगा रहे हो, उसको समझते हैं। उत्तर का द्वार होता है कमाना, धन कमाना तुम्हारी मजबूरी है, अपनी जीवन को चलाना है, निर्वाह करना है, तो धन कमाना बहुत आवश्यक है। जैसे नाव बिना पानी के नहीं चल सकती है, ऐसे गृहस्थ जो है बिना कमाए नहीं उसका जीवन चल सकता है। प्रश्न ये है कितना कमाए, कैसे कमाए और कमाकर क्या करें,
ये तीन प्रश्न उठते हैं, कितना कमाएं, कैसे कमाएं और कमा कर क्या करें, कितना कमाएं। तो हमारी संस्कृति का तो एक ही आदर से कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, बस इतना कमाए, इतना कमाए, अपना जीवन सुखपूर्वक जिए, जरूरतमंदों के लिए कमाए, अपने लिए कमाओ, अपने वालों के लिए कमाओ और जरूरतमंदों के लिए कमाओ। फिर से बोलूं, अपने लिए कमाओ बहुत अच्छी बात है, अपने वालों के लिए कमाओ बहुत अच्छी बात है, और साथ में जरूरतमंदों के लिए कमाओ। आप अपने मन से पूछो, आप जरूरत के लिए या जरूरतमंदों के लिए या कमाने के लिए कमा रहे हो? क्या बोल रहा हूं मैं, अपने मन से पूछो, जरूरत के लिए कमा रहे हो, जरूरतमंदों के लिए कमा रहे हो या कमाने के लिए कमा रहे हो? जरूरत के लिए तो सिर्फ चार रोटी, छह रोटी, दस रोटी से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इतनी भागदौड़ किसके लिए कर रहे हो? एक नशा होता है, कहते हैं कि नशा ऐसा होता है कि वो नशा जब तक नहीं करते हैं तब तक जो है आगे हमारा काम नहीं चलता है। ऐसी पैसा कमाने का भी एक नशा है, वो भी एक वासना है, क्योंकि एक वो जो एक दूसरी वासना है उसकी तो उम्र रहेगी, कहीं ना कहीं जाकर वासना रुक जाएगी, लेकिन पैसे की वासना ऐसी है कि वो बचपन से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, दूध जो पीने वाला बच्चा वहाँ से स्टार्ट हो जाती है वो लोभ की दृष्टि, और अंत समय तक वो लोभ की दृष्टि, मरते मरते भी वो लोभ की दृष्टि नहीं छूटती है। धन कमाने का मना नहीं है, धन कब खूब कमाओ आप, लेकिन वो जो आप कमा तो रहे हो उस कमाने के बाद ये निश्चित मानना, कमाने के बाद उसका क्या करोगे, क्योंकि धन कमाना साथ में पाप भी कमाओगे। इस दुनिया में जाओगे तो निश्चित रूप से आप धन नहीं ले जाओगे, फिर क्या ले जाओगे, पाप को ले जाओगे। क्यों पाप को ले जाओगे, धन जो कमाया था उसके साथ आपने पाप भी कमाया, धन तो आपका यहीं रह जाएगा लेकिन पाप आपके साथ चला जाएगा। तो क्या करें, कमा यहां रहे, रख यहीं जाएंगे और लेके पाप जाएंगे? तो उसका तरीका यही है कि आपको पाप नहीं ले जाना है, यहां धन कमाया है तो कुछ ना कुछ जो धन कमाया है उसको कमाया है उसको देते जाओ, धन कमाने के साथ थोड़ा पुण्य भी कमाओ। धन कमाया है तो पाप आएगा, और अब पाप आया है तो पुण्य को लाना है, पुण्य को लाना है तो बस अच्छे परिणामों के साथ, ये शाश्वत सत्य है, आपके साथ पुण्य ही जाएगा, अब पुण्य और पाप ही जाएगा, तो पाप को नहीं ले जाना चाहिए। तो जो आपको मिला है पुण्य से, आपकी बुद्धि आपको पुण्य से मिली, अनुकूल संयोग आपको पुण्य से मिला है, कोई कुशलता आपको पुण्य से मिली, कोई दक्षता आपको पुण्य से मिली, कोई गुडविल आपको पुण्य से मिली, आपके पुण्य से आपका धन मिला है, तो जब धन मिला है उसका संयोग हुआ है तो उसको बांटो, जितना बांटोगे उतना वो बढ़ने वाला है, और जितना सजो के सवार के रखोगे वो उतना, ये मान के चलना अंतराय कर्म के बंध का कारण है। पैसा जोड़ने में जितना आनंद नहीं है उतना आनंद पैसा छोड़ने में आना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, आप दिन रात पैसा जोड़ने में आनंद मना रहे हो। अरे पैसा छोड़ने में आनंद बनाओगे तो निश्चित रूप से आप आनंद की अनुभूति करोगे। अभी देखा ये पांच प्रक्षारण हो रहा था, भैया जी ने बोला इतने उतने, हमारे दर्शन भैया ने भी कहा जो आ गया, उधर से हमारे पदम जी ने भी कहा जो आ गया। ये आनंद आना चाहिए, छोड़ने में ये आनंद आता है, क्योंकि पुण्य कमाने का अवसर यदा कदा ही आता है, और ऐसे अवसर को चूकना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे, कोई उपयोग नहीं कर रहे, जोड़ जोड़ को रखा, एक दिन छोड़ कर चले जाओगे। इसलिए कमाओ, मना नहीं है, कमाना है, उत्तर की दीवार यही करी, कुबेर का द्वार है, पुण्य खोला है, लेकिन कमाने के बाद उसका क्या करोगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, और दक्षिण की दीवार कहती गवाना, मतलब पैसा का उपयोग आपने नहीं किया तो क्या हो गया, वो गवा दिया। अरे कमाया तो था, जिंदगी भर मेहनत करी लेकिन उपयोग नहीं किया तो गवा दिया, पैसा का उपयोग नहीं होगा तो क्या हुआ, वो पैसा गंवाना ही है। तुमने जब मेहनत से कमाया है तो उसको कम से उसका सदुपयोग तो करो,
उपयोग नहीं करोगे तो क्या मतलब, वो तो गवाना ही हुआ ना। या फिर मान लीजिए ये नहीं किया तो विषय भोगों में पार्टी वार्टी में आपने लगा दिया, यहाँ वहाँ इंद्रियों को इसमें लगा दिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी गवाना होगा, ये निश्चित मान के चलना, वो भी आपका क्या होगा, गवाना ही होगा। इसलिए कमाओ लेकिन कमाने के बाद उसको गवाओ मत, उसका सदुपयोग करो। एक बहुत बड़े हमारे देश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं बिरला, बिरला का नाम चलता है घनश्याम बिरला, उसका पत्र आज मेरे हाथ में आ गया, क्योंकि अक्षय श्री जी इस पत्र को बहुत महत्व देते थे। जो घनश्याम जी बिरला है उन्होंने अंत समय में अपने बच्चे के लिए एक पत्र लिखा, उस पत्र को आप पढ़ें, बड़ी एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने दो तीन बार इस पत्र को पढ़वाया है, वो पत्र आज आगे हाथ में, वो पत्र आपके बीच में पढ़ रहा हूँ जो घनश्याम दास जी बिरला ने अपने बेटे के लिए लिखा। प्रिय बसंत, ये पत्र लिख रहा हूँ अनुभव से लिख रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना और चिंतन करना। हमारे पास जो धन है, अच्छे साधन है, उनका सेवा में उपयोग किया जाए तब तो ठीक, अन्यथा ये शैतान की औजार है। धन एक शक्ति है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना। जनक की सेवा की थी रावण ने, उसका दुरुपयोग किया है, इस बात को कभी भूलना। एक बात और ध्यान रखना, हमारे पास जो धन है वो हमारी हमारा वो हमारी नहीं, जनता की धरोहर है, हम जो इसके केवल ट्रस्टी हैं। अपनी संतान को भी ऐसी सीख देना, अन्यथा वो व्यसनों में लग जाएगा, पाप में पड़ेगा, अपनी संपत्ति को बर्बाद कर देंगे। ऐसे कुसंतानों को अपना धन कभी मत देना, इसकी जगह अपने धन को गरीबों को बांट देना। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए अब प्राणायाम आदि की बात करी, भोजन को आहार को ही भोजन औषधि बनाना, ये सब बातें उस पत्र में लिखी। लेकिन मुख्यतः से उन्होंने एक बात ये लिखी कि ये जो धन है ये धन तुम्हारा नहीं ही है, तुम इस धन के ट्रस्टी हो, और अगर चाहते हो इस धन का सदुपयोग करना तो जितना है उतना गंवाना मत, और इस धन को देते चले जाना। देते चले जाओगे तो संस्कार भी बचे रहेंगे और संस्कृति भी बची रहेगी। तो आपके पास जो आपका धन है ये मत मानना कि ये धन आपका है, आपने कमाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको गंवाओ नहीं, उसका सदुपयोग करो। अगर सदुपयोग करोगे तो धन होगा। गंवाया कभी नहीं, और गंवाने का कोई काम भी नहीं किया, और गंवाने का कोई नाम नहीं, तो कोई मतलब, ध्यान रखना। अमर्थ को छिपा कर नहीं, सबसे दगा करो, सबसे आप कुटिलता करो, पर सामर्थ अगर छुपा कर दे रहे हो तो कुटिलता हो जाएगी। हे और हम नहीं दे रहे तो ये कुटिलता हो जाएगी। इस कुटिलता को छोड़कर आपको देना है कि हाँ मेरे पास इतना है, चलो इतना कर लो बासा वालो, ठीक है कोई बात नहीं, इतना आप प्रण दे दो कि आपको बताइए भगवान का जनाले किसका बन रहा है, दुर्लभ सागर का बन रहा है क्या, बताओ ना किसका बन रहा है, ये दुर्लभ सागर का बन रहा है क्या, दुर्लभ सागर का तो नहीं बन रहा है, किसका बन रहा है, तीन लोक के नाथ बासा के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का बन रहा है ना पक्का, ओ भगवान किसके हैं, दुर्लभ सागर के हैं क्या, आपके हैं ना भैया, मेरे तो हैं, आपके हैं ना, जब भगवान आपके जिनालय आपका, अब आप ये बताओ कि मैं मेरी जितनी संपदा है, जो आप कैलकुलेशन लगा लेना कि मैं मेरे हिस्से में कितनी संपदा है, उस संपदा का कितना परसेंट आप देना चाहते हो बता दो, जितनी आपकी संपदा है, जो आपके पास कैश है वो अलग, जो आपके पास मकान है वो अलग, जो आपके पास दुकान है वो अलग, उसका कितना परसेंट बाबा के नाम करना चाहते हो, पार्श्वनाथ बाबा के नाम, सच्ची तरीके से और अच्छी तरीके से उसका मूल्यांकन करना, और उसका जो भी बनता हो उतना देने का प्रयास करना कि हम इतना हम दान दे रहे हैं, इतना हम दान देंगे, इतना हम त्याग कर रहे हैं, कितना दे सकते हो बोलो, कितने परसेंट दे लोगे। अगर तुम जितने बैठे हो ना यहाँ, अगर तुम लोग अपनी संपदा का 10% भी दे दोगे तो वो कुंडलपुर का मंदिर पीछे रह जाएगा, ऐसा भव्य मंदिर बन जाएगा। 10% दे दो, ज्यादा मत दो, सिर्फ 10% दे दो आप, तो कि ये रखा है बैंक में इसका 10%, ये मकान की कीमत हो गई इसका 10%, ये गहना रखा है इसका 10%, उतना दे दो, नहीं दे सकते 10% और कम करूं, बोलो कितना करना है, आपकी इच्छा कितना करना है बोलो, कितना देना है, 5% से लेके 10% से जितनी इच्छा होता दे देना, और 5 से भी कम करूं बोलो तो, अरे बोलो कितना करना है, आप जितना बोलो उतना कर देता हूं मैं तो, हैं कितना करना है बोलो, 5 से 10
तो ठीक है, ईमानदारी के साथ, अपनी इच्छा के साथ, अपनी स्वेच्छा के साथ आप 5 से 10 दे देना। अब ये बात ध्यान रखना, अच्छा श्री जी क्या बोलते हैं, अच्छा श्री जी एक बार जब पाटनी जी 11 लाख की ध्वजारोहण की बोली ली, तो जो 11 लाख की ध्वजारोहण की बोली ली और एक दूसरा व्यक्ति था उसने जो आचार्य श्री जी ने पाटनी जी के लिए कुछ नहीं बोला, ध्यान रखना वो यहाँ बैठे ना भोक्ता वाले, वो दे रहे हैं, वो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो, अगर 50 लाख 2 लाख का दान दे रहे, कोई दान नहीं है उनके लिए, वो कुछ नहीं है उनके लिए वो, और यहाँ जिनने 11,000 की बोली बहुत बड़ी बात है कि क्यों आप रेशो लगाओ ना, वो मान लो 200 करोड़ का काम हैगा और 200 करोड़ का कितना परसेंट दे रहे हैं वो, क्या दे रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं वो, कोई कोई मतलब ही नहीं उनका देना, आपका देना देना है ये मान के चलना, उसमें वो दे रहे हैं तो वो कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए ये मत मानना जितना है उसमें से आप जो दे रहे हो बहुत अच्छे भावों से देने का प्रयास, अच्छे भावों से देने का मन बनाओ, आप मन बनाओगे तो निश्चित रूप से आप वो जिनालय खड़ा कर लोगे, और जिनालय दूसरों के बल पर नहीं खड़ा करना है, मंदिर हमारा है हमें ही करना है, इसलिए सब लोग ये प्रण ले लो कि हाँ पार्श्वनाथ बाबा के दरबार के लिए इतना परसेंट तो मैं दूंगा ही दूंगा, ये निश्चित कर लो। वकील साहब करोड़ों रखी एफडी, थोड़ा पिघलो और कुछ ना कुछ करो, वो जो करोगे वही जाएगा साथ, वकालत साथ नहीं जाने वाली, वो पूरी समाज ताली बजा रही है, देखो तो कुछ ना कुछ देके और अपना कल्याण करो, कल दे दूंगा दूंगा महाराज विचार चल रहा है, वो सब चलता चला जाएगा। हाँ अरे कहाँ रखिए, अभी बता रहा हूँ मैं किधर रखिएगी, सब रखिए हमें मालूम है किधर रखिए, वो है ना धर्मपत्नी की तिजोरी में रखिएगी, ठीक है ना, कहाँ रखिएगी। अच्छा मन और अच्छी मानसिकता बनाओ और अच्छे परिणामों से अब आप अपने विचारों को निर्मल करो और कुछ ना कुछ अपना जो है सदुपयोग धन का हो जाए, वो सदुपयोग आपके साथ जाएगा, यही भावना है। प्रवचन आज थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बस यही भावना है कि वो मंदिर जो बन रहा है वो बहुत अच्छा मंदिर बन जाए, और उस मंदिर वो पूजना आपको, भगवान आपको बिठाना है, और भगवान ऐसे अतिशयकारी भगवान बैठ जाए कि उस भगवान के माध्यम से जो है उस भगवान के माध्यम से सबका और हमारा सबका कल्याण, इन्हीं भावना से बोलो, इतना तो बोलो कुछ ना कुछ परसेंट दोगे, नहीं दोगे, दोगे ना, पक्का पक्का, ध्यान रखना भगवान के साथ धोखाधड़ी नहीं करना, ये तो गलत होगा, मैं नहीं जानता, गलत हो जाए तो मत बोलना, कल को व्यापार कम हो जाए तो मत बोलना, कल को और कुछ कम हो जाए तो मत बोलना, जितना है उसका कुछ ना कुछ निश्चित रूप से मन लेना, कल परसों नहीं, जितनी जल्दी आप दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, हम तो यही भावना बातें। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।